हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, और हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पढ़ लिया था अपने लेक्चर नंबर वन में। आज हमारा लेक्चर नंबर टू है और मोस्ट प्रोबेबली बाकी के बचे हुए टॉपिक खत्म हो जाएंगे इसी में आपके। फॉरेन ट्रेड से हम शुरू करेंगे पढ़ना बच्चों, फॉरेन ट्रेड। इसके बाद हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन, फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, ये बचे हुए टॉपिक हमारे हैं। हम कोशिश करेंगे इसको आज ही खत्म कर दें। तो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर तक पढ़ लिया था बच्चों, आगे से हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप देखें, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कहां तक हमारा चैप्टर ये कंप्लीट हो गया था। चैप्टर हमारा कहां तक कंप्लीट हो गया था, यहां नोट्स में देखेंगे। पहली क्लास में हमारी इसका टॉपिक नंबर वन इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर तक हमने पढ़ लिया था बच्चों। हम फॉरेन ट्रेड से पढ़ना शुरू करेंगे। कहां से स्टार्ट करेंगे? फॉरेन ट्रेड से देखेंगे। इधर फॉरेन ट्रेड आ जाते हैं टॉपिक पे, क्या है इसके अंदर आके फॉरेन ट्रेड में। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है बच्चों, जब आप दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं, मतलब आप अपनी कंट्री में जो भी चीज मैन्युफैक्चर करेंगे, जो भी गुड्स आप यहाँ प्रोड्यूस करेंगे, उसे आप दूसरी कंट्री के साथ भी ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उसे विदेशी व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। उस टाइम पर फॉरेन ट्रेड बहुत रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी के साथ होता था। उसके कुछ मेन पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसा पहला पॉइंट आपका बैकवर्डनेस के कारण फॉरेन ट्रेड क्यों एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, या उसकी बैकवर्डनेस के क्या कारण है वो यहाँ डिस्कस कर रहे हैं हम, या आप ये कह सकते हैं कि उसकी खराब कंडीशंस के क्या कारण है। पहला तो एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। इंडिया जो था, इंडिया को कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्राइमरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर और फिनिश प्रोडक्ट का इंपोर्टर बना के छोड़ दिया था। मतलब हमारा स्टेटस सिर्फ इतना रह गया था कि हमारे देश से प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होंगे और फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट होंगे। बताइए, हम बात पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, टू फोल्ड पॉलिसी भी यही थी बच्चों। तो ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी और टू फोल्ड पॉलिसी का भी यही मतलब था कि हम रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर होंगे और फिनिश प्रोडक्ट के इंपोर्टर होंगे, बस इतना था ही उन्होंने बना के हमें छोड़ दिया था। तो ये आप पहले पॉइंट में यहाँ पे इसको देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, ये पहले ऊपर से पढ़ना शुरू करते हैं। एक हाँ, क्या लिखा है देखें, इंडिया हैज बीन एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। ठीक है, इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन है आपका, बट द रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी ऑफ कॉमोडिटी प्रोडक्शन ट्रेड एंड टैरिफ, जो एक पॉलिसी बना रखी थी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड। उसने इसको एडवर्सली अफेक्ट करा था। स्टेट ऑफ इंडिया फॉरन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इज गिवन एज अंडर, यह आपका नीचे इस तरीके से दिया हुआ है। नंबर वन पहला क्या है, एक सेकेंड, ये आपका नंबर वन, स्टेटस ऑफ इंडिया एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था पॉइंट कि हमें एक्सपोर्टर और इंपोर्टर का दर्जा मिला हुआ था, मतलब हमारे यहां से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होंगे दूसरे देश में और फिनिश प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे। तो इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, सुगर, इंडिगो, जूट एटसेट्रा, एंड इंडिया रिमेन एन इंपोर्टर ऑफ फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन, सिल्क, वुलन क्लोथ, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन। दिस कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी मेड इट बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट। और ये जो कॉम्पोजिशन था, इसी की वजह से हमारी इकोनॉमी आपकी बैकवर्डनेस में जाती चली गई थी। तो फॉरन ट्रेड में आपका पहला पॉइंट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ये आपका यहाँ पे है। दूसरा पॉइंट क्या है सर, दूसरा पॉइंट इसके अंदर है आपका मोनोपोली कंट्रोल। मोनोपोली कंट्रोल क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। जो भी ट्रेड था बच्चों इंडिया का, जो भी फॉरेन ट्रेड होता था, मोर देन हाफ वो तो ब्रिटेन के साथ था। जितना भी फॉरेन ट्रेड था, आधे से ज्यादा ब्रिटेन के साथ था, और बाकी बचा हुआ कुछ लिमिटेड कंट्रियां जैसे कि श्रीलंका, आपका ईरान, ठीक है, श्रीलंका हो गया आपका, उसके बाद आपका हो गया ईरान और चाइना। इनके नाम कुछ अलग थे पहले, श्रीलंका का कुछ और नाम था, ईरान का पर्शिया था। तो इस तरीके से ये कुछ गिने चुने देश,
और आधे से ज्यादा फॉरेन ट्रेड किसके साथ, ब्रिटेन के साथ। तो ये रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी की वजह से भी फॉरेन ट्रेड बैकवर्डनेस में जाता, मतलब बाकी देशों के साथ कोई रिलेशन नहीं, ब्रिटेन आधे से ज्यादा तो खुद को कर लेगा, और बचा हुआ कुछ चुनिंदा देशों के साथ जिसमें आपको चाइना, ईरान और श्रीलंका का नाम मैंने आपको बताया। तो ये मोनोपोली कंट्रोल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक। तो ये एक तरीके से मोनोपोली कंट्रोल हो गई। देखें मोनोपोली कंट्रोल में ये ले बच्चे मोनोपोली कंट्रोल, ब्रिटेन मेंटेन्ड मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, ठीक है। मोनोपोली कंट्रोल इन्होंने मेंटेन किया हुआ था। अगला बुलेट, एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट वाज विद कंट्रीज लाइक चाइना, सिलोन जिसको श्रीलंका कहते हैं, ईरान, मैंने आपको बताया। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, स्विच कैनल बनाई गई थी इसके लिए स्पेशली 1869, जो डायरेक्ट रूट था, अफ्रीका से होके नहीं जाना पड़ता था, डायरेक्ट चला जाता था सामान। स्विच कैनल बनाई उन्होंने 1869 में, आपका ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिया फॉरेन ट्रेड, एज इट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोवाइडेड अ डायरेक्ट रूट फॉर ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, नाउ देयर वॉज नो नीड टू सेल थ्रू अफ्रीका। अब अफ्रीका से होके नहीं जाएगा, सीधा इंडिया और ब्रिटेन का कनेक्शन हो गया था स्विच कैनल के थ्रू, जो कब बनाई गई थी, 1869 में, ठीक है। ये डेट याद रहेगी आपको, ये 1869 में। आ जाओ आप आगे, नंबर 3, मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, ये तीन ही पॉइंट है इसके अंदर। एक्सपोर्ट सरप्लस का मतलब होता है जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं और इम्पोर्ट कम करते हैं। इम्पोर्ट हमने कम करा, एक्सपोर्ट ज्यादा करा, तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस हो जाता है, मतलब ज्यादा पैसा आया हमारे पास एक्सपोर्ट करने से। तो वो एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज करती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। मिसयूज कैसे करना, जैसे कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को पूरा करना, अपनी आर्मी के खर्चे, या फिर जो उन्होंने वो बना रखा है अपने यहाँ पे कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री अपने देश में, या अपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने सेटअप कर रखा है उसके खर्चे पूरे करना। तो वो जो मिसयूज होता था सरप्लस का, वो यही था, मतलब उस पैसे का सही जगह पे इस्तेमाल नहीं होता था, अपने बेनिफिट के लिए वो गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां पे कॉलोनियल गवर्नमेंट यूज करती थी। तो ये हो गया आपका मिसयूज एक्सपोर्ट सरप्लस का। देखिए इसके अंदर आपका एक्सपोर्ट सरप्लस का मिसयूज, एक मिनट, हाँ चलो, ये रहा आपका पहला बुलेट, इंडिया इंडिया फॉरेन ट्रेड जनरेटेड ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस, बट दिस सरप्लस केम एट अ ह्यूज कॉस्ट टू द कंट्रीज इकोनॉमी, बहुत ज्यादा कॉस्ट थी इसकी। इट लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, इंडियन वेल्थ का ड्रेन हो गया था इसकी वजह से। फिर आपका अगला बुलेट, सेवरल एसेंशियल कॉमोडिटीज जैसे कि फूड ग्रेन, क्लोथ, केरोसिन एटसेट्रा वर स्केयरली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट एज दीज वर एक्सपोर्टेड। ये वाले गुड्स बहुत रेयर चांस होते थे कि हमारे डोमेस्टिक मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि इसे हम एक्सपोर्ट करते थे। दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डिड नॉट रिजल्ट इन एनी फ्लो ऑफ गोल्ड और सिल्वर इनटू इंडिया, और इसकी वजह से इंडिया में किसी भी गोल्ड का या सिल्वर का फ्लो नहीं हुआ। एंड आप देखें इसका यूज कहाँ होता था, मेन चीज जो मैंने आपको बताई, दिस सरप्लस वॉज यूज टू मेक पेमेंट फॉर द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाई एन ऑफिस सेटअप बाई द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन ब्रिटेन एंड ऑल्सो टू फाइट वॉर फॉट बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने अपने देश में जो अपने ऑफिस सेटअप कर रखे थे, उन ऑफिस को खर्चों को पूरा करने के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस का यूज होता था, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगर युद्ध हो जाता था किसी देश के साथ, तो उस युद्ध में, उस वॉर में इन पैसों का इस्तेमाल होता था। इनविजिबल आइटम सर्विसेज लाइक शिपिंग, कम्युनिकेशन एटसेट्रा वर इम्पोर्टेड एंड एक्सपोर्ट सरप्लस वॉज यूज टू पे फॉर द इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। मतलब क्या होता था कि जो इनविजिबल आइटम्स है जैसे शिपिंग सर्विस एंड कम्युनिकेशन सर्विस इम्पोर्ट कराई जाती थी, जिस देश से भी वो इम्पोर्ट करते थे उसको पेमेंट करने के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस का इस्तेमाल किया जाता था। इसका मतलब इस पैसे का मिस यूज होता था, यही पॉइंट था आपका मिस यूज ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस। क्लियर है एक्सपोर्ट सरप्लस क्या होता है, ये भी क्लियर है, और इसका मिस यूज कैसे होता था ये भी क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। इसी के साथ ये वाला फॉरेन ट्रेड वाला टॉपिक हमारा बच्चों कंप्लीट है। इसके बाद डेमोग्राफिक कंडीशंस है, इसको हम पहले समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डेमोग्राफिक कंडीशंस आखिर क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है।
डेमोग्राफिक कंडीशन बच्चों बेसिकली आपका पॉपुलेशन से रिलेटेड है, डेमोग्राफिक जिसे हम कहते हैं। अब यहां पे दो मेन बातें, सबसे पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस। अगर हम फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस की बात करें तो वो कंडक्ट हुआ था 1881, कब हुआ था 1881, ठीक। उसके हर 10 साल बाद लगातार जनगणना होती है, 2011 में लास्ट हुई थी, 2021 में होगी। तो इसका मतलब कि हर 10 साल में आपकी जनगणना कंडक्ट कराई जाती है 1881 में पहली बार। इससे पहले 1921 एक ईयर आपके सामने आएगा, 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड के नाम से जाना जाता है। इसको द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि 1921 से पहले जो इंडिया था वो फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांजिशन में था, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का पहला स्टेज, और 1921 के बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का दूसरा स्टेज आया। क्या मतलब था इसका, 1921 से पहले बैलेंस में थी सिचुएशन, मतलब जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या दोनों बैलेंस में थी, तो पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई नहीं देती थी। लेकिन 1921 के बाद सेकेंड स्टेज में जब आए तो जन्म लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा और मरने वालों की कम, तो पॉपुलेशन कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज होती चलेगी, मतलब पॉपुलेशन के जो बढ़ने की जो दर है, जो इंक्रीज होने का रेट है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया है 1921 से अब तक, आपको घटता हुआ नहीं दिखाई दिया ट्रेंड। इसी को सेकंड स्टेज कहा जाता है। लेकिन पहले क्या होता था, कभी घटता भी था कभी बढ़ता भी था और बैलेंस बना के चलता था। तो 1921 को इसलिए द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है इंडिया के लिए, क्योंकि इसने अपनी स्टेज को चेंज किया था, पहली ट्रांजिशन ऑफ स्टेज और फिर दूसरी ट्रांजिशन ऑफ स्टेज, ठीक। तो पहले इसका हम बेसिक देख लें, फिर इसके अंदर कई सारे पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, डेमोग्राफिक कंडीशन वो हम पढ़ लेंगे। टॉपिक नंबर 6, ये लो आप टॉपिक 6 आपका क्या लिखा हुआ है, यहां देखिए, द डेमोग्राफिक कंडीशंस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल सजेस्टेड ऑल द फीचर्स ऑफ अ बैकवर्ड इकोनॉमी, ठीक है, बैकवर्ड इकोनॉमी का था, एंड वेरियस डिटेल्स About the population were first collected through a census in 1881. पहली बार जनगणना हुई, census हुआ 1881 में, वहां से आपको collection मिला. It revealed unevenness in India's population growth. From 1881, census operations were conducted after every 10 years. हर साल में conduct होता है. Before 1921, India was in first stage of demographic transition. The second stage of transition started after 1921. However, neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. बहुत ज़्यादा था, ठीक? The year 2021 is described as the year of great divide. It because after 1921 population grew continuously rapidly. जो population है वो लगातार तेजी से बढ़ती चली गई, इसलिए 1921 को the year of great divide के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चे? अच्छा, अब हमें इसमें कई सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं एक एक करके, जैसे कि आपका पहला टॉपिक है इसके अंदर हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ बर्थ रेट और डेथ रेट आपका क्या होता है। बर्थ रेट का मतलब होता है पर 1000 पर्सन पे, 1000 लोगों पे जन्म लेने वालों की संख्या बर्थ रेट होती है, और पर 1000 पे मरने वालों की संख्या डेथ रेट होती है। ये दोनों रेट बहुत ज्यादा हाई थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर, अब ठीक है थोड़े, लेकिन उस टाइम पर बहुत ज्यादा हाई थे। तो बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई थी हमारी कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर, कितना था सर 48 और 40 के आसपास, मतलब 48 आपका और 40 पर 1000 पे। देखें आप यहाँ पे दिया होगा डेटा, ये रहा आपका यहाँ लिखा हुआ है सारी बात, एक मिनट। पहला बुलेट, बर्थ रेट रेफर्स टू नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर, ये बोम नहीं है बॉर्न है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, आर होगा वो, ठीक है, बॉर्न पर 1000 इन अ ईयर वाज नियरली 48 पर 1000 as compared to 19 per 1000 in 2017, 2017 में 19 और colonial government के time पर 48. Death rate की बात करें तो it refers to number of person dying per 1000 in a year. 1000 लोगों में कितने लोग मरते थे उस time पर 40 per 1000 और 2017 के हिसाब से 7.3 per 2017, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा high था और high होने की वजह से poverty बढ़ती है और unemployment आपका, ये these rates were high indicating poor healthcare खराब होना, बैकवर्डनेस ऑफ अ कंट्री विच लीड टू मासिव पॉवर्टी, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा गरीबी देश के अंदर हो जाएगी आपकी, ठीक, पहला पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट, इन्फांट मोर्टेलिटी रेट,
इन्फांट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है बच्चे, जो इन्फांट होता है वो शिशु को कहते हैं, इसे हिंदी में कहते हैं शिशु मृत्यु दर। मतलब क्या होता है, एक साल पहुंचने से पहले पहले जिन बच्चों की डेथ हो जाती है, जो मर जाते हैं, उसे इन्फांट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये भी नियरली 218 था उस टाइम पर, 218 मतलब 1000 बच्चों में 218 बच्चे ऐसे जो एक साल के होने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती थी, इसको इन्फांट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ठीक है, तो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट आपका रीचिंग वन ईयर, एक साल पहुंचने से पहले पहले। इन्फांट मोर्टेलिटी रेट ये रहा आपका, पहले तो पहले बुलेट में मीनिंग नंबर ऑफ इन्फांट, इन्फांट मतलब वे शिशु डाइंग बिफोर रीचिंग वन ईयर ऑफ एज पर 1000 लिव बर्थ इन अ ईयर, एक साल में 1000 बर्थ पे कितने लोग, कितने बच्चे मर जाते हैं, वो इन्फांट मोर्टेलिटी रेट है आपका। इट वाज अबाउट 218, 218 पर 1000 कंपेयर टू प्रेजेंट इन्फांट मोर्टेलिटी रेट 37 पर 1000 इन 2014। अभी ये 37 पे बहुत कम हो गया बच्चों, बट फिर भी 37 भी बहुत ज्यादा है, 37 नहीं होना चाहिए। हायर रेट ऑफ इन्फांट मोर्टेलिटी रेट वॉज एन इंडिकेटर ऑफ पुअर स्टेट आपका, पुअर स्टेट को शो करता है, क्योंकि हेल्थ की वजह से ही ऐसी प्रॉब्लम आती है जनरली। तीसरा पॉइंट आपका लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, लिटरेसी और एजुकेशन में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एजुकेशन अलग चीज होती है, एजुकेट होना अलग बात होती है, लिटरेट होना अलग बात होती है। एजुकेटेड का मतलब होता है आपने कोई डिग्री ली, आपने सीनियर सेकेंडरी 10th पास 12th पास, उसके बाद आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो। लिटरेट का मतलब अलग होता है, लिटरेसी का मतलब होता है 7 ईयर से ऊपर वाले वो लोग जिनको पढ़ना और लिखना आता है वो लिटरेट कहलाते हैं। तो ये जो लिटरेसी रेट था वो 16% से भी कम, और वुमेन में 7%, ये बहुत ही खराब सिचुएशन उस टाइम पर थी हमारी लिटरेसी रेट की। ठीक, तो यहाँ पे देखें लिटरेसी रेट, ये रहा आपका लिटरेसी रेट। It refers to number of persons capable to read and write above 7 years of age. मैंने आपको बताया 7 साल के ऊपर वो लोग जिनको लिखना और बोलना आता है, पढ़ना आता है। The overall literacy level was less than 16% as compared to 76% in 2014-15. मतलब अब 76% लोग literate हैं, उस टाइम पर 16 से भी कम। And out of this, female literacy level was very low. It was just 7%. ये बहुत ज़्यादा कम था। लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट वॉज एन इंडिकेटर ऑफ सोशल बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी, ये सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। ये क्लियर है? इसके बाद क्या है सर? इसके बाद है आपका अगला लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज एज किसी पर्सन की किसी कंट्री में जीने, मतलब ऑन एवरेज कितने साल तक कोई इंसान जिएगा। तो आपको ये सुनने में आश्चर्य होगा कि उस टाइम पर ये कम था, बट आप अपने घरों में हो सकता है सुनते हो कि उस टाइम के लोग ज्यादा जीते थे, उस टाइम के लोग ज्यादा हेल्दी रहते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट ही रहेगा। वहां पे उस टाइम पर 44% एवरेज एज, और आज के टाइम पे ये 68-70 ईयर्स है। ठीक है, 44 ईयर्स उस टाइम पर, और आज के टाइम पर ये 68-70 ईयर्स है। मतलब ऑन एवरेज आदमी, इसका कारण क्या था, हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी उस टाइम पर, और बीमारियों का नहीं पता चल पाता था लोगों को, और वो कैसे कब क्यों मर गए पता ही नहीं चल पाता था। इस वजह से ये कंडीशन थी, लो एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लो था कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम पर। यह आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इट रेफर्स टू एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन, दैट इज एवरेज नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव। ठीक है, कि कितना वो आपका जिएगा। इट वॉज ऑल्सो वेरी लो, इट वॉज 44 ईयर्स इन कंट्रास्ट टू 67 ईयर्स 2014-15, उस टाइम 44 और अब 67। इट इंडिकेट पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड लैक ऑफ जनरल अवेयरनेस कीप हेल्दी। तो ये हेल्थ फैसिलिटी की वजह से ही होता है, और आपका ये सिचुएशन था लाइफ एक्सपेक्टेंसी का। ठीक है, यस लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद आपका नंबर 5 पुअर स्टेट ऑफ हेल्थ फैसिलिटी। हेल्थ फैसिलिटी या तो अवेलेबल ही नहीं थी उस टाइम पर, अनअवेलेबल था, और अगर था भी तो लोगों के रीच के बाहर था, मतलब उतना ज्यादा नहीं था कि लोग वहां तक पहुंच सके। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वो तो आज भी है, हेल्थ के सेक्टर में अगर हम बात करें तो अभी भी जब कोई ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है तो आपको सब दिख रहा है आसपास अपनी अभी कितनी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो वो आज भी और उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा थी, उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा थी।
पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ का मतलब गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है उसकी बात हो रही है बच्चे यहाँ पे, पब्लिक से रिलेटेड। तो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की अगर हम बात करें, इसमें पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी वर इधर अनअवेलेबल टू लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन और वर हाईली इनएडिक्वेट, या तो अनअवेलेबल था या बहुत कम था, बहुत कम अवेलेबल था। ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटिल ऑन हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो क्यों करेंगे, वो तो अपने देश के चले जाते थे अपना इलाज कराने, उनको यहाँ से क्या मतलब। एंड वाटर एंड एयर बॉन्ड डिजीज पर आपका एंड प्रूव फटल फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। तो और उससे क्या होता था, पानी से होने वाली या हवा से होने वाली बीमारियां और ज्यादा होने लगती थी, जिससे कि लोगों की हेल्थ और ज्यादा खराब हो जाती थी। एक लास्ट पॉइंट और है इसके अंदर, बस आपका डेमोग्राफिक कंडीशंस में वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। पॉवर्टी को मेजर करने का कोई ऐसा तरीका नहीं था उस टाइम पर हमारे पास। पॉवर्टी का एक अलग चैप्टर है पूरा हमारे पास, जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, वहां हम पॉवर्टी पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर ही पॉवर्टी पे है। लेकिन पॉवर्टी को मापने का ऐसा कोई तरीका उस टाइम पर नहीं था, बट फिर भी पॉवर्टी जो है वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो पता चल जाती थी लोगों को, जो बेसिक नेसेसिटीज है वो पूरी नहीं कर पाते थे अपनी, और वो पॉवर्टी बढ़ती ही चली चली जाती थी। तो डेमोग्राफिक कंडीशन, जो लार्ज पॉपुलेशन का एरिया था वो गरीबी में था, ये आपका पॉवर्टी है, पॉवर्टी, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। देखिए इसमें क्या लिखा है, ठीक है, क्या है यहाँ पे, इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी, हम ये नहीं बता सकते कितना एक्सटेंट है दैट टाइम, बट देयर इज नो डाउट that extensive poverty prevailed in India during the colonial period, which contributed to the worsening profile of India's population of the time. And it was due to lack of education, poor health service and discriminatory policy of British government. Unki jo discriminatory policy thi, wo bhi ek karan thi garibi ka. GDP and per capita income of a country is very low, which led to widespread poverty in the country. GDP बहुत low था, per capita income बहुत low थी, जिसकी वजह से widespread poverty हो गई थी कंट्री के अंदर, बहुत बड़े लेवल पर गरीबी हो गई थी। ये टॉपिक नंबर 6 आपका डेमोग्राफिक कंडीशन है बच्चों। उसके बाद आपका जो अगला टॉपिक दिख रहा है आपको, टॉपिक नंबर 7, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है आप क्या काम करते हो या आप कौन से सेक्टर में काम करते हो। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है आपका जो वर्कफोर्स है वो किस सेक्टर में इन्वॉल्व है, किस सेक्टर में इंगेज है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, तीन सेक्टर होते हैं बेसिकली हमारे पास। प्राइमरी सेक्टर होता है आपका जैसे फिशिंग हो गया, आपका एनिमल हस्बेंड्री हो गया, माइनिंग हो गया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। सेकेंडरी सेक्टर आपका कौन सा होता है, सेकेंडरी सेक्टर आपका होता है, थोड़ी क्लास ब्रेक हो रही है क्या, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर आपका कौन सा होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड होता है, जहां पे आपका गुड्स का प्रोड्यूसिंग होती है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है। टेरिटरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर आते हैं इसके अंदर, जैसे एजुकेशन की सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस या और भी कोई सर्विस आपकी हो सकती है। तो ये तीन अलग अलग सेक्टर होते हैं, इन सेक्टर के बेसिस पे जो ऑक्यूपेशन होता है उसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है बच्चों। उसे क्या कहा जाता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर। तो ये आपका हो गया। इसमें दो बातें बताई गई हैं, सिर्फ दो बातें हैं, मैं दोनों बता देता हूँ फिर हम पढ़ेंगे वहां से। एक है आपका प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर। प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर का मतलब जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड, अप्रोक्स 78-80% पॉपुलेशन उस टाइम पर एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी। एक तो पहला पॉइंट ये है प्रीडोमिनेंस। दूसरा है रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन का मतलब रीजन, कहीं कहीं पे आपको ऐसा मिलेगा, कुछ स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था पहले, तो बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर कुछ स्टेट आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने को मिला था, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में नीचे की तरफ कमी होती हुई दिखाई दी थी। उसमें कौन कौन से स्टेट है, मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। नाम है उनके तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे एग्रीकल्चर नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया था। और वहीं अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, जैसे उड़ीसा, पंजाब और राजस्थान, ये स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। तो इसको रीजनल वेरिएशन कहा जाता है, ये रीजनल वेरिएशन होता था। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर दो ही पॉइंट है, छोटा टॉपिक है। एक तो प्रीडोमिनेंस ऑफ प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का प्रीडोमिनेंस था, मतलब ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे डिपेंड थी। और दूसरा रीजनल वेरिएशन था, कुछ सेक्टर्स, कुछ स्टेट ऐसे थे जो मैंने आपको, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे एग्रीकल्चर में डिक्लाइन देखने को मिला था, और उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। ये आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कंप्लीट है। मैंने अभी आपको यहाँ से कुछ भी नहीं पढ़ाया, लेकिन जो मैंने बताया है
वही चीजें वहां लिखी हुई हैं, हम वहां से पढ़ लेते हैं एक बार। टॉपिक नंबर 7, ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर शो टाइटल साइन ऑफ चेंज द स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कैन बी गिवन एज अंडर। आपका इस तरीके से नीचे ये दिया हुआ है, याद रखिए। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर ओवर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, पहला पॉइंट। द एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंटेड फॉर लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स व्हिच इज यूजुअली रिमेन्ड एट हाई 70-75%, व्हाइल द मैन्युफैक्चरिंग और द सर्विस सेक्टर ओनली 10-15-20% रिस्पेक्टिवली। मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का जो शेयर था वो बहुत ज्यादा था, इसी को प्रीडोमिनेंस कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? प्रीडोमिनेंस। तो ये प्रीडोमिनेंस था। नंबर 2, रीजनल वेरिएशन। रीजनल वेरिएशन वही चीज जो मैंने आपको बताई थी। एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज द मेजर सेक्टर इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ वर्कफोर्स एब्जॉर्ब्ड इन इट, स्टिल देयर इज रीजनल वेरिएशन। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ रीजनल वेरिएशन, पार्ट ऑफ देन मद्रास प्रेसिडेंसी को कहते हैं, सॉरी मैंने बंगाल कह दिया था, मद्रास प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता है, जिसमें कंप्राइजिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, ये स्टेट्स आपके हैं, बॉम्बे एंड वेस्ट बंगाल, विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन द वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन देखने को मिला था और इंक्रीज मिला था मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर देखने को। मतलब प्राइमरी सेक्टर घट गया, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर में जो है लोगों का काम वो बढ़ गया। लेकिन हाउएवर देयर हैड बीन इंक्रीज इन द शेयर ऑफ वर्कफोर्स इन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सेम टाइम इन स्टेट सच एज उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। मतलब एक ही टाइम पर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको डिक्लाइन देखने को मिला और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल गई। क्लियर है यहाँ पे? टॉपिक नंबर 7 भी आपका कंप्लीट। यस, टॉपिक 7 कंप्लीट। टॉपिक नंबर 8, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, देखो पहले ऊपर की लाइनें पढ़ लेते हैं। अंडर द कॉलोनियल रूल बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डेवलप, बट दिस डेवलपमेंट वॉट नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज टू द पीपल बट टू सबसर्व, अपने लिए ही करा जो करा उन्होंने। कॉलोनियल इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट था बनाने के पीछे, मतलब बनाया तो था लेकिन इंटरेस्ट उनका खुद का था इन सब चीजों को करने के पीछे। इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 पार्ट में बांटा है, एक ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में रोड, रेलवे एंड एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, फिर दूसरा कम्युनिकेशन, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास बच्चों अलग से एक पूरा चैप्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर नाम का एक पूरा चैप्टर हमारे कोर्स में है, आगे आएगा करंट चैलेंजेस फेसिंग इंडियन इकोनॉमी वाले यूनिट के अंदर। लेकिन यहाँ पे पढ़ना है तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा इंडिया में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के पीछे उसके जो कारण थे वो उसका खुद का सेल्फ इंटरेस्ट था। जैसे उन्होंने रोड बनाई, उन्होंने बहुत ज्यादा रोड नहीं बनाए क्योंकि फंड्स नहीं था उनके पास, आप ये कह लो, या वो उन्होंने सिर्फ इतने रोड बनाए कि वो अपनी आर्मी का इंडिया के अंदर मूवमेंट करा सके एक जगह से दूसरी जगह, और जो उन्हें एक्सपोर्ट करना है गुड्स, तो एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हें रेलवे स्टेशन तक सामान या पोर्ट तक सामान पहुंचाना पड़ेगा, तो वो रेलवे स्टेशन और पोर्ट तक पहुंचाने के लिए उन्होंने रोड बना दिए थे। दोबारा सुन ले बच्चों, कुछ ब्रेक हो गई होगी क्लास बीच में, नेटवर्क इश्यू हो गया था। मैं आपको ये कह रहा था कि रोड्स बनाए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, लेकिन वो रोड उन्होंने सिर्फ इतने बनाए थे कि वो इंडियन आर्मी का मूवमेंट करा सके अपनी कंट्री के अंदर, इंडिया के अंदर, और वो जो सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दूसरी कंट्री में, जो दूसरी कंट्री में वो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उसको रेलवे स्टेशन तक और पोर्ट तक पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए, तो उतनी रोड उन्होंने बना दी थी जिससे कि उनका काम चल जाए। तो रोड हम पढ़ लेते हैं, फिर रेलवे पे आते हैं। रोड, रोड्स में क्या क्या है आप? पहला बुलेट, रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर बिल्ट प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ mobilizing the army within India and drawing out of raw material from the countryside to the nearest railway station or to the port to send to England or आपका और foreign destinations हो सकते हैं जहां पे उन्हें वो भेजना है। तो ये बात मैंने आपको बताई अभी।
And there was always an acute shortage of all weather roads to reach out rural areas during the rainy season. मान लो कहीं बारिश आ गई, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गई, तो लोगों तक पहुंचने के लिए भी हमारे पास अच्छी रोड नहीं थी. मतलब अगर कहीं कोई आपदा हो गई तो वहां पे पहुंचने के लिए रोड उतने ज्यादा नहीं थे. तो पहला तो आपका पॉइंट ये हो गया रोड का. आ जाए आप दूसरे पॉइंट पे, रेलवे. सबसे पहली बात, दो तीन बातें रेलवे के अंदर हम जानेंगे. हाँ, रेलवे कब इंट्रोड्यूस करी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, पहली चीज हम ये जानेंगे कब इंट्रोड्यूस करी थी. बच्चे इसका कई बार गलत आंसर दे देते हैं, मैंने पूछा भी था लाइव क्लास में. तो वहां पे क्या होता है, 1853 बच्चों, 1853 में तो पहला ब्रिज बना था. पहला ब्रिज 1853 में बना था, मुंबई टू थाने. लेकिन रेलवे इंट्रोड्यूस कब करी थी, रेलवे इंट्रोड्यूस करी थी 1850 में. दो अलग अलग डेट है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है पहली बात. तो रेलवे आया आपका, और रेलवे लाने का भी मकसद वही था कि कैसे चीजों को अपने देश तक पहुंचाया जा सके. ठीक, तो रेलवे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट है. इसमें ट्रांसपोर्ट देखे, रेलवे में क्या क्या है बातें. ये ले रेलवे, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द रेलवे इन इंडिया इन 1850. इट इज कंसिडर एज वन ऑफ देयर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है. फिर द रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वे. It enabled people to travel long distance and thereby break geographical and cultural barriers and help in integrating the nation. It fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the comparative self-sufficiency of village economies in India. ठीक है, commercialization हो गया था जिसकी वजह से हमारे पास खुद के पास खाने की चीजें नहीं बची थी. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो ये रेलवे का था इनका रोल. एंड द सोशल बेनिफिट आप देखें, द सोशल बेनिफिट विच इंडिया पीपल गेन्ड Going to introduction of the railway work, आपका यहाँ देखिए, outweighed by the country's huge economic loss on account of drain of Indian wealth. मतलब ये कह रहे हैं कि जो ब्रिटेन में पैसा गया था ना, drain of Indian wealth during the British rule, India had become an exporter of primary product and importer of finished product. तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि एक फायदा ये हुआ कि वो उन्होंने हमें बहुत लूटा. हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने हमें बहुत ज्यादा लूटा, लेकिन लूटने के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे जो रेलवे बना दी ना, तो ये बेनिफिट है. आज तक हम उसे यूज करते हैं. ब्रिटिश गवर्नमेंट की बनाई हुई रेलवे आज तक हम उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ अच्छा काम भी था. ठीक है, तो जो भी ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ हुआ था, उसकी जगह पे वो पैसा है उन्होंने यहाँ पे, वो अलग बात है कि अपने ही पर्पस के लिए बनाया था, लेकिन रह तो इंडिया में गया ना. तो ये रेलवे हो गया. उसके बाद एयर एंड वाटर, ये उतना ज्यादा आपका नहीं था एयर एंड वाटर वाला. एक हाँ बच्चों, एयर एंड वाटर वाला पढ़ रहे थे. एयर और वाटर ट्रांसपोर्ट में आपको बता रहा था, एयर और वाटर में भी काफी हद तक काम करा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, लेकिन वो सेटिस्फैक्टरी लेवल से बहुत दूर था. मतलब उतना ज्यादा नहीं. और दूसरा अनइकोनॉमिकल था. अनइकोनॉमिकल का मतलब कि हम इस पे इतना ज्यादा पैसा, एक तो कॉस्टली बहुत होता है, तो ज्यादा कॉस्ट से बनता है ये, और कम्पीट नहीं कर पाता था रेलवे को. तो इस वजह से इसको उतना ज्यादा ध्यान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस टाइम पर नहीं दिया. तो आपका रेलवे एंड एयर सेटिस्फैक्टरी लेवल से बहुत ज्यादा दूर था अपने. तो ये आप देखेंगे इसमें एयर एंड ट्रांसपोर्ट नंबर सी. एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. द कॉलोनियल डिस्पेंशन ऑल्सो, एक लाइन कर ले ताकि पढ़ते रहेंगे तो समझ भी आएगा क्या पढ़ रहे हैं. हाँ, द कॉलोनियल डिस्पेंशन ऑल्सो टुक मेजर्स फॉर डेवलपमेंट इन द इनलैंड ट्रेड एंड सी लिंक. ठीक है, These were developed to enhance infrastructure, yet these measures were far from satisfactory. लेकिन ये बहुत दूर था, उतना ज्यादा satisfactory नहीं था. Inland waterway proved to be uneconomical. Uneconomical था ये in the case of coast canal on the Orissa coast, क्योंकि इसको बनाने में बहुत पैसा लग गया था. Through government incur, huge amount on it, yet it failed to compete with railway. और लेकिन ये railway को compete करने में fail हो गया था. तो इसकी वजह से ये आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था यहाँ पे. एंड लास्ट आपका कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन आप कैसे करते हैं, जैसे कि अभी ये हमारा एक कम्युनिकेशन का जरिया है, ये ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ये कम्युनिकेट हो पा रहा है. आपको किसी से बात करनी होती है, आप फोन पे बात करते हैं, कम्युनिकेट कर लेते हैं. वीडियो कॉल का ऑप्शन आजकल है, कम्युनिकेट कर लेते हैं. उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे पोस्टल सर्विस थी मेन, या पोस्ट कर दो किसी को. लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफर भी उन्होंने इस्तेमाल करा था, यूज किया था, लॉन्च करा था, जिसपे काफी पैसा उन्होंने खर्च करा था. तो इलेक्ट्रिक ट्रांसफर वाला भी इसमें टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जिसे हम कहते हैं, तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉन्च करा था. उस टाइम पर कम्युनिकेशन का मेन
जो आपका था उनकी तरफ से, वो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इसके अंदर डिस्कस किया गया है। देखें यहाँ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के बारे में, ब्रिटिश रूल इन इंडिया डेवलप द मॉडर्न सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन। द इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ इन इंडिया वॉज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री। कंट्री में लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ मतलब जल्दी पहुंच जाए। अगर मान लो कहीं कोई घटना हो गई, कुछ आपको पहुंचानी है अपनी बात, पोस्ट में तो बहुत टाइम लगता था, लेकिन इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ ऐसा था जो तुरंत पहुंचा देता है अपनी बात, तो लॉ और ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी था। द पोस्टल सर्विस डिस्पाइट हैविंग वाइड यूटिलिटी एंड इंप्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी स्टिल रिमेन इनएडिक्वेट फॉर द डोमेस्टिक ग्रोथ। एंड द फर्स्ट स्टैम्प आपका रिलीज हुआ था 1852 में और पहला टेलीग्राफ लाइन जो था वो 1853 में। तो ये जो दो तीन ईयर्स है ये आप याद रखना, एग्जाम्स में आपके आ सकते हैं। कॉजेस की अगर हम बात करें, कॉजेस वैसे आप अपने आप ही पढ़ सकते हैं, मैं फिर भी एक बार रीड कर देता हूँ, यहाँ से चार पांच लाइन में लिखे हुए हैं, ज्यादा नहीं है। कॉजेस क्या थे बच्चे, कॉजेस देख लें। एक मिनट, हाँ ठीक है, आपका द मेन रीजन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज टू सर्व द कॉलोनियल इंटरेस्ट, दैट इज टू हैव इफेक्टिव चेक ऑन द वास्ट इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी, टू मेक ह्यूज प्रॉफिट बाय लिंकिंग रेलवे विद मेजर इंडियन पोर्ट्स, ठीक है, टू इन्वेस्ट ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया टू मेक प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स कमाने के लिए। एंड रियल मोटिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज नॉट प्रोवाइड बेसिक एमिनिटीज, उनका मतलब बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करना नहीं था, बट टू सर्व वेरियस सेल्फिश इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनके खुद का इंटरेस्ट इसके पीछे था, ठीक है बच्चे। अच्छा कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हैं अब हमारे यहाँ पे, आप यहाँ देखेंगे टॉपिक नंबर 9 आपका लास्ट टॉपिक है, पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब हमने इनकी इतनी बुराई कर दी, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी थे, ठीक है। आपने ब्रिटिश गवर्नमेंट की चैप्टर टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 8 तक, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को लूटा, उन्होंने हमें एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट तक बना के छोड़ दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा लो हो गया, उसमें लैंड सेटलमेंट सिस्टम, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत उन्होंने डेवलप करा लेकिन अपने इंटरेस्ट के लिए, फॉरेन ट्रेड हमारा बहुत पुअर स्टेट में था, इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा पुअर स्टेट में था, ये सारी खराब बातें हमने पढ़ी इस चैप्टर में अभी तक। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट और पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंडिया में, मतलब कुछ अच्छे काम भी उन्होंने किए होंगे, उन अच्छे कामों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है पहले, दो ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज वेरी कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हाउएवर इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लॉयटिंग इंडिया सम ऑफ द वे और मींस अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रूव पॉजिटिव फॉर इंडिया, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के टाइम पर उन्होंने कुछ ऐसे काम करे या उन्हें करने पड़े जो हमारे लिए अच्छे प्रूव हुए। वो काम कौन कौन से हैं, उन कामों को देख लेते हैं। जैसे कि नंबर 1, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन बढ़ा, जिससे हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए उस चीज में। तो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने से एक बात ये हुआ कि हमें ये पता लग गया कि हम ज्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि हम दूसरों को भी बेच सकते हैं। तो पहला आपका पॉजिटिव इंपैक्ट, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। देखें इसमें क्या लिखा है, एनकरेजमेंट टू कॉमर्शियलाइज एग्रीकल्चर टू बूम फॉर इंडिया एज इट इम्प्लाइड अ गुड ब्रेक थ्रू इन एग्रीकल्चर, इट शो द वे टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोड्यूस, मतलब अगर आपके पास सरप्लस प्रोड्यूस है तो आप उसे बेच के सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो वो बेचती थी और आपको ज्यादा पेमेंट नहीं करती थी, बट अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं है तो आप अपने एक्सपोर्ट सरप्लस को या आपके पास जो ज्यादा सरप्लस है उसे बेच के आप सेल्फ सफिशिएंट बन सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है बच्चे, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आपका है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैं भी आपको पहले पढ़ा चुका हूँ तो मैं दोबारा से इसको दोबारा नहीं समझा रहा, ये वही चीजें हैं, रोड, रेलवे और पोर्ट जो अभी आपने पढ़ी थी वही बात है। एक बार जल्दी देख लें इसको, डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेलवे, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट टू चेक ओवरऑल एडिकेट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज,
डेवलपमेंट ऑफ पोस्ट एंड टेलीग्राफ ओपन अ न्यू अपॉर्चुनिटी ग्रोथ इंप्रूव एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्व द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर लॉ और ऑर्डर का आपका ये प्रॉप करता था तो ये हमने पढ़ा था इंफ्रास्ट्रक्चर में तीनों पॉइंट अब आ जाते हैं चेक ऑन फेमाइन अब ये है आपका अब मान लो कहीं बाढ़ आ गई कहीं भूकंप आ गया कहीं कोई आपदा घट गई है कुछ ऐसा हो गया तो चेक कैसे होगा उड़ के तो नहीं चले जाओगे तो जाने के लिए कुछ तो चाहिए या तो रोड से जाओगे या रेलवे से जाओगे या फिर आजकल कुछ हो जाता है जैसे आप देखते हो कहीं बाढ़ भूकंप आ गया या कोई तूफान आ गया तो गवर्नमेंट वहां राहत कार्य पहुंचाती है एनडीआरएफ की टीम जो होती है वो कैसे जाते हैं हेलीकॉप्टर से जाते हैं ऊपर से अगर जहां जाने का व्यवस्था नहीं होता है तो वो क्या करते हैं हेलीकॉप्टर से जाएंगे और ऊपर से सामान गिरा देते हैं वहां पर उत्तराखंड में ऐसा बहुत बार हुआ है खाने पीने की चीजें लोगों को पहुंचा दी जाती हैं तो ये फेमाइंस को भी आसानी से चेक कर सकता था उन्होंने जो रोड रेलवे जितने बनाए जहां तक भी बने थे कम से कम वहां पे अगर कुछ होगा तो वहां तक आप जाके उसे चेक कर सकते हैं तो एक तो इनका ये था कॉन्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव चेक ऑन फेमाइन देखें इसके अंदर पहला बुलेट डेवलप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हेल्प इन रेगुलेशन ऑफ फूड सप्लाई एंड मेडिकल हेल्प ड्यूरिंग फेमाइन और एनी अदर नेचुरल क्लाइमिटीज डेवलपमेंट ऑफ रोड रेलवे इनिशिएटेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ठीक है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वर ग्रेट सपोर्ट इन इमरजेंसी अगर कोई इमरजेंसी हो जाएगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा साधन होता है आप कम्युनिकेशन के थ्रू कहीं पर ज्यादा आसानी से बातें पहुंचा सकते हैं ठीक तो एक तो ये हो गया आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट दो और है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज पहले के जमाने में हम बार्टर सिस्टम में जिया करते थे बार्टर सिस्टम में जीते थे आप मुझे ये दे दो हम आपको ये दे देंगे हमारा काम चल जाएगा मनी तो होती नहीं थी ठीक है ना मेरे पास गेहूं है आप इससे गेहूं ले लो आपके पास चावल है मैंने आपसे चावल ले लिया और दोनों का काम चल गया इसे डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड गुड्स कहते हैं जो बार्टर सिस्टम ये मनी चैप्टर में पढ़ेंगे हम अपने मैक्रो इकोनॉमी में फिर भी मॉनेटरी सिस्टम पे शिफ्ट करा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें पहले हम बार्टर सिस्टम में थे और उन्होंने फिर हमें बताया कि मनी कैसे एज एन एक्ट ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू यूनिट ऑफ अकाउंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट कुछ फीचर्स होते हैं इसके मनी में बताऊंगा आपको ये हमने उनसे सीखा तो ये आपका शिफ्टिंग मॉनेटरी सिस्टम की तरफ ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर ब्रिटिश रूल हेल्प इंडियन इकोनॉमी टू शिफ्ट फ्रॉम बार्टर कॉमोडिटी फॉर कॉमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम मॉनेटरी सिस्टम एक्सचेंज पीपल लर्न अंडरस्टैंड यूज ऑफ मनी और मनी का यूज कैसे होगा ये लोगों ने सीख लिया इसके बाद एक लास्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हमारे देश में क्या था पहले कुछ नहीं था हमें कहाँ आता था कुछ ठीक है उन्होंने तो हमें सिखाया आप अच्छे से घर से कपड़े उपड़े पहन के टाई वाई लगा के ऑफिस में जाते हो ये किसने सिखाया ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से तो हो ना आप तो ये इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस कैसे खुलेंगे ऑफिस में काम कैसे होगा ऑफिस में लोग कैसे आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा काम को कैसे कराया जाएगा किसी ये सारी चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का पार्ट इंडिया पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन का पार्ट है देखें लास्ट पॉइंट है ये इसको पढ़ते हैं फिर देखते हैं आगे क्या करना है हाँ तो ये रहा आपका द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉलोड एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप विच लेफ्ट अ लेगेसी ऑफ इफेक्टिव वर्क कल्चर एक अच्छा वर्क कल्चर फॉर पीपल ऑफ इंडिया This served as ready reckoner for our policy planner and politician. एक तरीके का ready reckoner का काम करा था जो administration वो छोड़ के यहाँ पर गए थे ठीक है तो ये chapter बच्चों खत्म अच्छा एक topic इसमें और है वो है state of Indian economy. तो वो आप अपनी books में अगर आपको मिलेगा तो वहां से read कर सकते हैं वरना मैं आपको बता दूंगा वैसे chapter last है अच्छा chapter खत्म करना motive नहीं है पहली बात तो ये क्योंकि इसमें कुछ है नहीं बच्चों अगर आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको ये समझ आ जाएगा लेकिन एक गाइडेंस होती है टीचर की तो वो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके बाद आप इसे प्रिपेयर करेंगे फिर आप मुझे टेस्ट देंगे और जब आप लिखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आपने जो पढ़ा था वो आपको कितना याद है और जितना आपको याद है क्या आप उसमें से लिख पा रहे हो नोटबुक में अपने आंसर शीट में या नहीं सबसे बड़ी बात है लिखना तो क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी में पहले चैप्टर के टोटल 16 क्वेश्चन होंगे शायद मुझे अच्छे से याद है बट 16 होंगे आई थिंक तो 16 क्वेश्चन है मैं देख के बता देता हूँ एनसीईआरटी के बता रहा हूँ मैं बच्चों क्वेश्चन आंसर टोटल 16 क्वेश्चन है हाँ टोटल 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी एनसीईआरटी जरूर आपको रेफर करनी है एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर जरूर पढ़ने हैं तो एनसीईआरटी में टोटल 16 क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आंसर को जब एक बार प्रैक्टिस करोगे और फिर जो टेस्ट पेपर आपको मिलेगा दो पार्ट में टेस्ट मैं लूंगा आपको पता है एक ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का अलग जिसमें एमसीक्यू एमआरक्यू आपके ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक एंड मैचिंग टाइप फिर आपका एक सब्जेक्टिव जिसमें थ्योरी आपका क्वेश्चन होंगे इस तरीके से ठीक है तो बच्चे चैप्टर ये आपका खत्म रिवाइज कर लेना टेस्ट कब होगा ये आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है तब तक के लिए हम बंद करते हैं इसको
अगले क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ।